राजस्थान की सरजमीन पर पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ के स्लोगन को सही मायने में सार्थक करने वाले सत्यवादी लोकदेव वीर तेजाजी के अनन्य भक्त श्री हीरानंद जी कटारिया है, जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के खिलाड़ी हैं, गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। निश्चित रूप से आपने राजस्थान की धरती से एक ऐसा आगाज़ किया है जो शायद ही कोई कर पाए। श्री वीर तेजा फाउंडेशन के माध्यम से आपने महिला कबड्डी लीग का शुभारंभ किया है, आज उसका ट्रायल है। हमारे बीच एशियन गेम्स के इन्हीं के शिष्य कबड्डी के प्लेयर सुमित्रा शर्मा, जिसने एशिया में गोल्ड मेडल जीता, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार जीता। सर, आज का जो महिला कबड्डी लीग का बड़ा आयोजन आप अपने आप में ऐतिहासिक है, तो किस तरीके से, किस संकल्प के साथ में इसको आयोजित करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं वीर तेजाजी महाराज को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये राजस्थान के अंदर लड़कियों के लिए पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कबड्डी लीग का आयोजन करने जा रहे हैं। और हमने सोचा कि हमने दिमाग में आया कि लड़कियों के लिए भी कुछ होना चाहिए। लड़कों के लिए तो बहुत हो रही है, लेकिन लड़कियों को ध्यान नहीं दे, तो हमने सोचा कि राजस्थान के अंदर महिलाओं को आगे लाने के लिए, जैसे भारत सरकार का, मोदी जी का और वसुंधरा राजे सिंधिया जी का भी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अंदर उनका अनुसरण करते हुए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ और जोड़ दिया उसके अंदर। और ये राजस्थान के एक ऐतिहासिक लीग होगी, इसके अंदर हम 6 टीमें बनाने जा रहे हैं और 6 टीमें टॉप टीमें होगी उसके अंदर। आप देख रहे हो सुमित्रा शर्मा हमारे एजुकेशन बोर्ड में लिस्ट है, ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी है और हमारे इन बच्चों की आदर्श भी है, इनसे सीखेंगी, इन मोटिवेट होगी और जो टीमें होगी वो शानदार होगी। और जो हमारे राजस्थान के अलावा भी हमने जो स्टेट से हमारे उनसे दो दो लड़कियां हम एक एक टीम में रखेंगे, और टीमें कमज़ोर होगी तो फिर वो तीन भी ले सकते हैं उसके अंदर, लेकिन हम 20 लड़कियां या 24 लड़कियां बाहर की सिलेक्ट करेंगे अदर स्टेट से, वो भी यहाँ आ गई है। तो शानदार एक आगाज़ होने जा रहा है, ये राजस्थान के अंदर 5 जगह इसका आयोजन होगा, भवन निकेतन, चित्रकूट स्टेडियम, खाटू श्याम जी, अजमेर, श्री गंगानगर, इसके अलावा भी यदि कोई जरूरत होगी तो वहाँ भी कराई जाएगी। और वसुंधरा राजे सिंधिया जी का हम मैडम से उद्घाटन कराएंगे इसका। इसके अंदर मेरी कॉम, साइना नेहवाल, पीयूष सिंधु, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, अभिजेंदर, सुशील कुमार जैसी सारी हमारे हस्तियाँ हैं, लिम्मा राम जी हैं, गोपाल सैनी ओलंपियन हैं, जो सारे हमारे राजस्थान की जो डिग्निटी वो तो आएगी। उसके अलावा भी हमारे जो हिंदुस्तान की जो खासकर जो लड़कियाँ हैं, जिन्होंने महिलाएँ हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, वो भी इसके अंदर यहाँ हम उनको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। वो फ्री होगी तो ज़रूर हमारी सबसे बात चल रही है, उनसे बात होगी, मेरी कॉम जी से बात हो गई, वो जरूर आएगी इसके अंदर, सबसे करीब हमारी बात चल रही है। उसको बहुत बड़ा आगाज़ होने जा रहा है हमारे राजस्थान की महिलाओं के लिए और राजस्थान की लड़कियों के लिए, राजस्थान के न्यू प्रोडक्ट के लिए एक प्रमोट करने जा रहे हैं हम। हमने जो बीड़ा उठाया तेजाजी महाराज के, जो हमारा फाउंडेशन है उसके तहत है, और हम खुद खिलाड़ी हैं, हम जानते हैं कि हमारे खिलाड़ी कितने परेशान होते हैं, खिलाड़ी बनने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है, तो उन प्लेयर्स को हम आगे लाने के लिए हम दिखाना चाहते हैं प्लेटफॉर्म पे कि हमारे राजस्थान की लड़कियां भी औरों से कम नहीं है और बहुत शानदार है और शानदार आगाज़ होने जा रहा है। तो धन्यवाद। तो ये देखा सारे कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने रही और अपने आप में इतिहास रचने जा रहा है, जब देश और दुनिया की खेल हस्तियाँ श्री वीर तेजा फाउंडेशन के वावो कबड्डी लीग में शामिल रहेगी।